गुरदासपुर के डोगरमेज गांव में अचानक आई बाढ़ से लोगों में हड़कंप मच गया। लगातार बारिश के बाद गुरदासपुर बॉर्डर के पास बह रही ब्यास नदी के बांध से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया, जो गुरदासपुर में बसे गांव में जाकर भर गया और वहां रह रहे लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। फिलहाल राहत कार्य के तहत लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। लगभग 3 फुट पानी भरा होने के कारण केवल ट्रैक्टर की मदद से ही लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी तक किसी की जान के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ब्यास नदी दे पीछे एक पोंग डैम डैम है, वहां से पानी छोड़ने के कारण यहाँ पे होशियारपुर जिले और गुरदासपुर जिले उसके जो बॉर्डर पे पड़ता है नदी ब्यास, वहाँ पे हम खड़े हैं। यहाँ पे डोगरमेश करके एक गांव है, वहाँ पर ज़्यादातर पानी आ गया है। यहाँ पे जो गांव में भी थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन कोई भी लोगों को ना कोई किसी लोगों को या कोई जानवर को कोई नुकसान नहीं है। अभी तक हमने ऑलमोस्ट 75 लोगों को अपने सेफ प्लेस पे हमने रेस्क्यू कर लिया है और अभी भी 30 लोग हैं उनको लेके आने के लिए यहाँ पे नज़दीकी गांव के लोग उनके सहायता के साथ लोकल पुलिस और सिविल प्रशासन सारे मिलके हम उनको भी जो है सेफ जगह पे लेके आ रहे हैं। क्या सुविधा कैसे निकाल रहे हैं अभी? ये है जो रोड्स वहाँ पे कनेक्ट करते हैं, उस गांव को रोड जो कनेक्ट करते हैं उसके ऊपर तकरीबन 3 फुट पानी आ गई है, 3 फुट पानी आ गई है। उसकी वजह से यहाँ पे बस ट्रैक्टर ही चल सकते हैं, तो ट्रैक्टर के मदद से हम लोगों को लेके आ रहे हैं। साथ में उनके साथ जो जानवर है तकरीबन यहाँ पे जो है जो उनकी पालतू जानवर है उनको भी साथ में हम लेके आ रहे हैं। लोगों से क्या अपील की जा रही है? पूरे गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में काफी एरिया जहां पानी आ चुका है, लोग अभी भी घरों में हैं, निकल नहीं रहे, क्या अपील करेंगे उनको? लोगों के लिए प्रशासन के तरफ से और आपके माध्यम के थ्रू हम यही अपील करना चाहते हैं कि जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको खतरा है, आपकी जान की खतरा हो सकता है और आपकी जानवर को खतरा हो सकता है, वहाँ पर आप मत जाइए और प्रशासन का साथ दे दीजिए। हम सारे ही मिलके लोगों के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होता है तो उसका बाद में आप रिकवर कर सकते हैं, लेकिन किसी का जानी नुकसान होती है तो फिर उसका कोई ये सोल्यूशन नहीं होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।